जी रेप्टाइल्स आगे अच्छा मैं रेप्टाइल्स से पढ़ाऊंगी उससे आगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, रेप्टाइल्स करेंगे उसके बाद हम शायद बीच में से ये कट जाए मेरी 10 मिनट की रह गई, अब रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस ये रह गए हम, इसके बाद बस फिश पढ़ेंगे और इनवर्टिब्रेट में भी शायद आज ना पढ़ सके। ठीक है, रेप्टाइल रेप्टाइल्स के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ, लिजर्ड स्नेक टर्टाइल्स क्रोकोडाइल एलिगेटर, ये रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जानवर हैं, बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट कॉल्ड रेप्टाइल्स, और ये ताल्लुक रखते हैं वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल्स हैं। रेप्टाइल हैव ड्राई थिक एंड स्केली स्किन, इनकी स्किन खुश्क ड्राई और छिलके वाली होती है, विच कवर एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडी, क्योंकि खुरदुरी होती है और ये इनकी बॉडी को हिफाजत करती है। रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग एंड ऑन लैंड, ये जमीन के ऊपर अंडे देते हैं। देयर एग हैव थिक लेदरी शेल, इसके अलावा इनके ऊपर क्या होता है एक शेल सा पाया जाता है जो मोटी खुरदुरी होती है जिस्म पे, और जिस्म की बैरूनी असरा से बाहर उनको रखती है, और इनके जो अंडे हैं इनके चमड़े की तरह का खोल पाया जाता है। ठीक है, क्या करता है वो उसको खुश्क नहीं होने देता अंडों को। देयर एग्स हैव थिक लेदरी शेल विच प्रिवेंट देम द गेटिंग ड्राई, नहीं रहने देता। मोस्ट रेप्टाइल्स हैव फोर लिम्ब बट स्नेक्स लैक लिम्ब्स, यानी मोस्ट रेप्टाइल्स हैव फोर लिम्ब्स, चार उनकी वो पाई जाती है, खुश्क होते हैं, इनके जो टांगे हैं चार है, मगर सांपों की टांगे नहीं होती। ठीक है, डायनासोर वर द बिगेस्ट रेप्टाइल इन द एंशियंट टाइम, यानी कदीम जमाने में कहा जाता था कि डायनासोर सबसे बड़ा जानवर था, दे डोंट एक्सटेंड एनीमोर, लेकिन अब वो क्या हो गया है, एक्सटेंड हो गया है, नापैद यानी खत्म हो गया है। ठीक है, ये तो स्नेक लिजर्ड टर्टाइल, या आप देख रहे हैं पिक्चर में आपको सामने तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्रोकोडाइल एलिगेटर। ठीक है, एम्फीबियंस कौन से हैं, एम्फीबियंस आपके कौन से कहलाते हैं, मैं जो दोनों तरफ रहते हैं, टोड फ्रॉग सेलेमेंडर बिलोंग टू टिब्रेट कॉल एम्फीबियन, दे हैव फोर लिम्स, इनके भी चार टांगे होती है। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, यानी ये वाटर पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स और स्किन, ये लंग से भी लेते हैं और इनकी स्किन से भी ये ब्रीथ कर सकते हैं। दे यूजली हैव लूज एंड वेट स्किन, इनकी स्किन थोड़ी सी नमी वाली होती है, स्किन इनकी खुश्क होती है, पानी में दोनों में रह सकते हैं, जबकि ये जिल्द में के मामले में थोड़े से नरम होती है, फेफड़ों के जरिए सांप लेते हैं, ढीली जिल्द होती है, दागदार सी होती है, थोड़े से स्पॉटेड सी होती है, और क्या होता है मोस्ट ऑफ देम स्पेंड देयर एडल्ट लाइफ ऑन लैंड, ये ज्यादातर अपना खुश्की पे गुजारते हैं। जब जब अंडे देने का वक्त आता है तो क्या होता है लेटन टू द वॉटर प्ले, यानी एडल्ट लाइफ अपनी जो जो थोड़ा वक्त जो खुश्की पे गुजारते हैं, जब अंडे देने का वक्त आता है तो रिटर्न टू ले एग, अंडे पानी में देते हैं। एम्फीबियन एग लुक लाइक बीड्स इन जेली, इनके जो अंडे होते हैं उनकी शक्ल कैसे होते हैं पानी में, जब वो जाते हैं तो मोतियों की तरह बीड्स की शक्ल में होते हैं, मोतियों की तरह नजर आते हैं और उनके जेली की तरह जेली लाइक सॉफ्ट से होते हैं छोटे छोटे से, और ये अंडों के गेट सख्त होल नहीं होता है, नरम मुलायम होते हैं, इसलिए पानी के अंदर देते हैं, हर खुश्की में नहीं देते। ठीक है, अच्छा, डू यू नो इन विंटर एम्फीबियन बरीड देमसेल्फ इन द मड, और सर्दियों में ये क्या करते हैं, मड में या स्लिप लॉन्ग स्लिप पे चले जाते हैं लॉन्ग टाइम के, टू कीप देमसेल्फ सेफ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट, ठंडक से बचने के लिए, जो ये ज्यादातर जो है उसमें हाइबरनेशन प्रोसेस में चले जाते हैं, यानी सो जाते हैं लंबी नींद लेके 6 महीने 3 महीने, और अपनी बॉडी से ही एनर्जी ले रहे होते हैं। ठीक है, इनका ये होता है हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिश है, देयर आर ओवर 25,000 फिश, 25,000 तकरीबन अभी तक चली हैं जो देखी गई हैं, साइंटिस्ट ने देखी हैं यानी डिस्कवर किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे लिव इन वाटर पानी में होते हैं, दे हैव स्ट्रीम लाइन, इनकी बॉडी में लाइन स्ट्रीम लाइन होती है, एक शेप होती है ऊपर से, जब आप बनाते हैं तो देखिएगा आप शेप स्ट्रीम लाइन नजर आ रही है ना, एक रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, वेल सूटेड इन द स्विम फास्ट इन वाटर, ये सीधी जो लाइन होती है ये इनको पानी में स्विम करने में फास्ट तेज और चलने में हेल्प करती है। फिश हैव फिन्स एंड टेल, इनकी क्या होती है बॉडी में, इनके फिन्स गलफड़े, इनके टेल दुम होती है इनकी, और क्या होता है इनके साथ यानी मछलियाँ इनके जिस्म पर पतले होती हैं, मछलियों में फिन्स यानी फिन्स पाए जाते हैं और दुम होती है जो इन्हें तैरने में मदद करती है, इनकी जिस्म पर हिफाजत के लिए क्या होते हैं इनके ऊपर, विच हेल्प देम टू स्विम, दे हैव टफ स्केल्स पाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, छिलके होते हैं, दे हैव गिल्स टू ब्रीथ, गिलफड़ों से ये सांस लेती है, इन वाटर मोस्ट ऑफ फिश लेइंग एग, और ये ज्यादातर अंडे देती हैं। ठीक है, पानी के अंदर ही होती है। अब क्या है आपका, साथ में ही हम इसको पढ़ लेते हैं, सरगर्मी एक दीवी है, यानी फेफड़ों के जरिए लेने वाले जो भी आपके साथ मार्क द एनिमल विच ब्रीथ थ्रू द पेयर ऑफ लंग्स फॉर द एनिमल विच ब्रूथ, यानी आप आपने बताने कि कौन कौन से लेते हैं फेफड़ों से और कौन से लेते हैं, जरिए से लेने वाले जानवरों के नाम और गल्फ जरिए से लेने वाले जानवरों के नाम, आपने जी और उस पर लगाना एल। ठीक है, जी लिखें और जिसपे वो
जानवरों के नाम जिसमें सांस से लेते हैं, एल लगा, ठीक है, मार्क ऑफ द एनिमल विच ब्रीथ थ्रू द पेयर ऑफ लंग्स से लेते हैं, ठीक है। अब आगे आपका लास्ट इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स को एनिमल विच डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट, जो एनिमल बैकबोन जिनके नहीं होती है इनवर्टिब्रेट है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिब्रेट फाउंड ऑन द अर्थ, अभी इसमें बेशुमार है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में जिनकी रीढ़ की हड्डी होती नहीं है, इंसेक्ट है आपके, स्नेल है, स्टार फिश है। अब ये कौन कौन से, मैं जल्दी से पढ़े, अचानक बंद हो जाएगी और इसके बाद में आप बस में इसके बाद में आपको ठीक है डिस्कनेक्ट हो जाएगा बस। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये एनिमल्स कौन से हैं, इंसेक्ट में खाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े हैं, स्टार फिश है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इंसेक्ट, स्नेल, स्टार फिश एंड वॉर्म, यानी ये तमाम स्टार फिश और ये जमीन पर रहने वाले वॉर्म एनिमल जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो तमाम तो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। इंसेक्ट आर वेल नोन इनवर्टिब्रेट विद जॉइंट लेग, इंसेक्ट के क्या साथ होते हैं, जोरदार टांगें होती हैं, ठीक है, जोरदार मतलब जॉइंट होती हैं वाले मशहूर इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनके जिस्म क्या होते हैं, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी है इनकी, क्या यानी हिस्सों में सेगमेंट की शक्ल में, ठीक है, विच्यून जो इसमें आ जाता है, बटरफ्लाई है, बी है, कॉकरोच है, ठीक है, बटर यानी तितली और ये कौन सी है, शहद की मक्खी है, बी, कॉकरोच लार्वे को कहते हैं, ये मिसाल एग्जांपल्स हैं ऑफ इंसेक्ट। एवरी इंसेक्ट हैज थ्री पेयर ऑफ बॉडी, और हर जो इंसेक्ट की तीन हिस्सों में बॉडी है, कौन कौन सी है बॉडी, कौन कौन सी, दे हैव थोरेक्स एब्डोमेन, हेड थोरेक्स एब्डोमेन, ठीक है, सर होता है, और इंसेक्ट ऑफ सिक्स लेग्स होती हैं यानी तीन तीन पैर की शक्ल में होती हैं, दे हैव हार्ड स्केलेटन ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी, इनकी बॉडी स्केलेटन एक छिलके नुमा होता है, इसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है, स्केलेटन प्रोवाइड्स देयर बॉडी, जो कॉकरोच को देखा होगा आपने, स्काइटन बोलते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी के ऊपर कवर किया हो जाता है जो इनके प्रोटेक्शन देता है, ये देख रहे हैं ना आप थोरेक्स एब्डोमिनल के ऊपर जो कॉकरोच के ऊपर देखिए एक लेयर होती है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप आ जाते हैं वॉर्म, वॉर्म्स कौन थे, वॉर्म्स क्या होते हैं, वॉर्म्स आर इनवर्टिब्रेट विद सॉफ्ट बॉडी, ये बिल्कुल नरम से होते हैं, हैविंग नो लिम्स, ये गैर है, इनके वर्टिब्रेट नहीं है, इनकी टांगे नहीं होती, इनके लिम्स नहीं होते, हैव नो लिम्स, मोस्ट ऑफ देम हैव एलोंगेटेड स्नेक लाइक, और ज्यादातर जिसम जो होते हैं सांप की तरह लंबे लंबे से होते हैं, ठीक है। और अर्थवॉर्म एंड टेप वॉर्म, इसमें कौन से हैं, कछुए टाइप के और टेप वॉर्म होते हैं, एंड अराउंड शक्ल गोल में भी होते हैं टेप वॉर्म, इनके जिसम में बहुत सारे यानी सेगमेंटेड होते हैं, राउंड बॉडी, और इनमें राउंड शक्ल में भी होते हैं और मुख्तलिफ हिस्सों में टुकड़ों टुकड़ों में भी होते हैं, ये देख रहे हैं आप इनकी शक्ल में, देख लें आप टेप वॉर्म की शक्ल देखें और अर्थ वॉर्म की शक्ल देखें और राउंड वॉर्म, यानी अलग अलग सेगमेंटेड भी हैं कुछ चीज़ें और कुछ डिवीजन डिवाइड हुए हैं, ठीक है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन अब आपको नीचे दिया हुआ है, स्टार फिश एंड सी एनिमोन आर द एग्जाम्पल ऑफ मैरीन इनवर्टिब्रेट, क्या कह रहे हैं वो कि स्टार फिश स्टारफिश और एनिमोन जो है समंदरी जो है एनिमल्स हैं, लेकिन ये कौन थे इनवर्टिब्रेट, अगर आप इनवर्टिब्रेट समंदर के अंदर ढूंढना चाहेंगे तो कौन कौन से हैं ये वाले स्टारफिश और एनिमोन, इसमें कोई बैकबोन नहीं पाए। इसके अलावा आपको दिया गया है एक एक्टिविटी दी हुई है नीचे, बस इसके बाद हम काम अगले हफ्ते हम इसका काम कम्प्लीट करेंगे। The word search below contain the name of the animal which have no backbone. आज की आपकी एक्टिविटीज में थे, आपने क्या देखना है, ये जो दिए हैं जानवरों के नाम, रीढ़ की हड्डी के जो एनिमल थे उनको ढूंढना है, ये इनमें जो है आठ दिए हैं, ठीक है, यानी देयर आर एट इनवर्टिब्रेट हिडन एंड वन इज द हाईलाइटेड, एक हाईलाइट कर दिया और बाकी आप लोगों ने इसको सर्च करना है, ठीक है। और आज का काम हम यहीं पर कम्प्लीट करते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारा चलेगा प्लांट क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स आएंगे, लेकिन फिलहाल हम इसका यहीं पर हम रोक के ये जो जूलॉजी या जो भी समझ लें बायोलॉजी वाला पोर्शन था इसका एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे जाते हैं, उसके बाद हम इसको यहाँ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क जो मैंने देना है वो आप लोग होमवर्क आपका यही है कि जो मैंने आप लोग एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने पहले क्लासिफिकेशन की, उसके बाद एनिमल किंगडम को फाइव किंगडम में तब्दील करना बताया कि मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एनिमेलिया प्लांटी एनिमल थी, फिर उसके बाद मैंने इनकी एक एक एग्जाम्पल बताई बैक्टीरिया एल्गी फंजाई, यानी ये नहीं मोनेरा की बताई मैंने बैक्टीरिया प्रोटेस्टा की एल्गी प्रोटेस्टा की मैंने बताई आपको एल्जी फंजाई की मैंने आपको बताई मशरूम खम्बी या जो भी होती हैं इस टाइप की जो